हमारे निदेशक श्री प्रदीप कुमार साहब, संस्थान के अधिकारी महोदय सब, इसके अलावा उद्योग संघ के जितने भी अधिकारी हैं उनका, और आप सभी हमारे कर्मचारी बंधु, मैं आपके बीच आज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैं सर के साथ काम करने का जो अनुभव प्राप्त हुआ उसको, और मैं चूंकि सेवा से रिटायर्ड हूं, 17 में रिटायर्ड हुए, तो कुछ उसका भी अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे। तो मैं फिर से आप सबों का एक बार आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे यह मौका मिला। और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सर के व्यक्तित्व में कितना आकर्षण है। एज अधिकारी हम मुजफ्फरपुर रहते हैं, लेकिन हम अपने आप को वहां रोक नहीं पाए। हमें पता था कि सर आज रिटायर करेंगे, आज उनका लास्ट वर्किंग डे है, हमें वहां होना चाहिए। ये केवल निदेशक थे इसलिए नहीं, निदेशक से ज्यादा एक बहुत ही संवेदनशील इंसान, जो अपने साथ काम करने वाले जो इनके अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनकी समस्याओं को इतना सहानुभूति पूर्वक और संवेदना से देखने वाले, हमने करीब 36 साल सेवा किया संस्थान में, लेकिन हमें नहीं कभी अनुभव हुआ इतनी संवेदनशीलता से किसी अपने अधीनस्थ कर्मचारी और अधिकारी को देखने वाला अधिकारी हो सकता है। काश इनकी सेवा और भी होती तो हम लोग और भी लाभान्वित होते। हम सेवा मुक्त होने के बाद भी जब सचिवालय में सरते तो भी कई महत्वपूर्ण काम उनसे हमें लेने का मौका मिला था। और जिस समय सर मुजफ्फरपुर में आए थे बिहार में, तो उस समय का दफ्तर हर तरह से वहाँ कह सकते हैं कि वो रास्ते से बेरास्ता था। प्रशासनिक प्रॉब्लम था, विकास के लिए जो मकसद के लिए दफ्तर है वो भी वहाँ समस्या थी। जब आए तो पहली दफा घूमे दफ्तर में और बोले कि हम इसको फिर से एक बार इनोवेट करना चाहते हैं, चलो घूम के देख लेते हैं। स्टाफ की भी समस्या थी, सबों को इतने मतलब सुचारू ढंग से इन्होंने रास्ते पर लाया, वो एक इम्प्रिंट है मेरे दिल में, मेरे जहन में आज भी है कि काश कि ऐसे ही अधिकारी संस्थान में हो, खास करके जो अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारी होते हैं उनकी समस्या भी बहुत सारी होती है, उसको देख पाए। बाद में उसके बाद विकास का काम है कि जो मकसद इस दफ्तर का है उसको आगे बढ़ाने में भी उन्होंने काफी हद तक सफलता पाई। अब रही बात कि हम अवकाश प्राप्त हैं तो कुछ अनुभव हुआ है, हम सर से शेयर करना चाहते हैं कि सर ये आपका सरकारी परिभाषित सेवा का अंत है। आपके विस्तारित अनुभव और शिक्षा का अंत नहीं है, आपकी समर्थ आपकी एबिलिटी का ये अंत नहीं है। मेरे समझ से यह एक नई शुरुआत होगी आपके लिए। बहुत सारी चीजें अनछुई रही है सेवा काल में, ऐसा होता है हम इतने व्यस्त होते हैं, कभी रात की ड्यूटी, कभी दिन की ड्यूटी, कभी दिन रात दोनों की ड्यूटी, तो बहुत सारी चीजें हम नहीं समझ पाते हैं। परिवार में, उस समाज में भी हमारा कंट्रीब्यूशन योगदान होना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि सर इस बात को बहुत अच्छी तरह समझेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सर सोशल योगदान निश्चित रूप से करेंगे, हमें उनका उस दूसरे चैप्टर का शुरुआत का भी लाभ मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ साथ सर का उज्जवल भविष्य, जो इनका रिटायरमेंट का होगा, इनके स्वास्थ्य, परिवार के सदस्य और अपार खुशहाली की कामना करते हुए सर को एक बार हम धन्यवाद करते हैं।